ये करीब 2720 किलो वाले वेजिटेरियन जाइंट्स अफ्रीका में किसी भी दूसरे लैंड एनिमल के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों की जाने लेते हैं। लेकिन ये किस तरह जीते हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये अभी तक मिस्ट्री ही रही है। लेकिन अब नई डिस्कवरीज में हिप्पो की सीक्रेट दुनिया का राज सबके सामने आए हैं। दोस्तों, हिप्पोज अपने इलाके को बचाने को लेकर बहुत जज्बाती होते हैं और जो इंसान उनके इलाके में घुसपैठ करता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हिप्पो मदर्स अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत बुरी तरह हमला करती है। हिप्पो चाहे तो एक फुल ग्रोन ह्यूमन को कमर तक अपने मुंह में जकड़ सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फुल ग्रोन ह्यूमन किसी हिप्पो के मुंह में फिट हो जाए। ये राज छिपा है हिप्पो के स्कल के अनोखे डिजाइन में, जिसके जरिए वो मुंह को 150 डिग्री तक खोल सकता है। हिप्पो का ब्रेन केज छोटा होता है और आंखें सिर के ऊपर होती हैं, जिससे उसके जबड़े काफी पीछे तक खींच सकते हैं और इसकी ताकतवर मैसेटर मसल इसके मुंह को इतना बड़ा खोल सकती है। ये तो अपने मुंह को सांप से भी ज्यादा खोल सकते हैं। दोस्तों, किसी हिप्पो का मुंह 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ाई वाली सुरंग जैसा बन सकता है, इसलिए हिप्पो किसी इंसान को चाहे तो आधा निगल सकता है। लेकिन इसका ये बड़ा सा जबड़ा आखिर कितनी ताकत से काट सकता है, इसका पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने एक तरबूज की मदद ली। किसी तरबूज को इस तरह कुचलना आसान लग सकता है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा ताकत चाहिए। इस तरबूज पर लगने वाले प्रेशर को पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने तरबूज पर कुछ वजन रखकर देखा, लेकिन तरबूज इस वजन को भी झेल जाता है। फिर और 3 लोगों के इस पे अपना वजन डालने के बाद ये तरबूज क्रश हो जाता है। इस तरबूज को क्रश करने के लिए लगभग 450 किलो तक का प्रेशर लगता है और ये काम किसी हिप्पो के लिए एग शेल तोड़ने के जैसा है। डेमोन्स्ट्रेशन शानदार है, लेकिन इससे हिप्पो के जबड़े की जबरदस्त ताकत का सही अंदाजा हो जाता है। अब जरा 2700 किलोग्राम वजन वाले किसी मेल के बारे में सोचिए। इसके सर का वजन 227 किलो से भी ज्यादा, यानी किसी कार के इंजन जितना हो सकता है। प्रोपोर्शन के हिसाब से ये दुनिया के सबसे बड़े सिर वाले जानवरों में से एक है। इसका हमला कुछ ऐसा ही होगा जैसे 91 किलो की कोई बॉल 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से टकरा जाए। दोस्तों, हिप्पो के मुंह में पीछे की तरफ खाने को चबाने के लिए 24 दांत होते हैं, लेकिन इनका असली हथियार आगे मौजूद टस्क जैसे 4 कैनाइंस हैं, जिन्हें ये डिफेंस या अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। टस्क जैसे ये दांत करीब 30 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं और हिप्पो की जिंदगी के दौरान बढ़ते रहते हैं। ऊपर और नीचे वाले कैनाइंस एक खास एंगल पर एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, जिनसे वो तीखे होते रहते हैं। अपनी तेज धार दांतों के अलावा हिप्पोस को पानी में अपनी जबरदस्त ताकत का फायदा भी मिलता है। ये हमेशा अपने पैरों पर मौजूद वजन को कम करने की सोचते रहते हैं और इसका सबसे आसान तरीका है पानी में उतर जाना, और यहीं इनका 80% वक्त गुजरता है। जमीन पर इस जीव का वजन 2700 किलोग्राम होता है, लेकिन पानी में ये करीब 41 किलो ही रह जाता है। अपने बड़े बड़े फेफड़ों की वजह से हिप्पोस एक बार में 5 मिनट तक पानी के नीचे रह लेते हैं, यानी पानी में इन्हें ज्यादा सुकून मिलता है। पानी के नीचे हिप्पो के रह पाने की खूबी इस बात से जुड़ी है कि ये बड़े मैमल्स किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले व्हेल्स और डॉल्फिन से ज्यादा करीब से जुड़े हैं। इन्हें सिस्टर स्पीसीज माना जाता है। दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने हिप्पो और व्हेल्स के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो हैरत अंगेज सिमिलरिटीज सामने आई, जैसे कि ब्लू होल। किसी व्हेल का ब्लू होल और हिप्पो के नॉस्ट्रिल एक से होते हैं। ये सांस को अंदर और पानी को बाहर रखते हैं। नेचर ने हिप्पोस को पानी के अंदर रहने के हिसाब से बनाया है। वेल्स की ही तरह ये भी पानी के नीचे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। माएं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान से रखती हैं, क्योंकि इनके लिए खतरा किसी भी तरफ से आ सकता है। जैसा कि इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि केनिया में एक फीमेल अपने नए जन्मे बच्चे को अपने झुंड से इंट्रोड्यूस करा रही है। इस तरह के ज्यादातर इंट्रोडक्शन के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आज एक मेल अग्रेसिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये बच्चे को इसकी माँ से अलग कर देता है। ये मेल तब तक इस बच्चे को पानी में रखता है जब तक कि ये मर नहीं जाता। बच्चे को इस तरह क्यों मारा गया इस बारे में कोई नहीं जानता। शायद इस तरह मेल अपने किसी फ्यूचर राइवल को खत्म करता हो इससे पहले कि वो इसके लिए खतरा बन जाए। दोस्तों, ऐसे तो हिप्पोस पानी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज हिप्पोस को लगातार जमीन की तरफ खींचती रहती है और ये है खाना। हम समझते हैं कि हिप्पोस दिन में नजर आने वाले जीव हैं, लेकिन करीब करीब हर रात ये घास चरने के लिए पानी से बाहर आते हैं। जमीन पर इनका वजन बेशक ज्यादा होता है, फिर भी ये वेजिटेरियंस अपना पेट भरने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। हिप्पोस एक ही रात में 45 किलोग्राम तक खुराक ले सकते हैं। हालांकि इनका साइज हाथियों से 1/3 होता है, लेकिन इन्हें अपने खुराक का 1/6 हिस्सा ही चाहिए। तो इसका राज क्या है? असल में हिप्पोस एनर्जी को बहुत ज्यादा बचाते हैं। दिन में ये पानी में एक जगह ठहरे रहते हैं और रात की ठंडक में ही जमीन पर घूमने के लिए निकलते हैं। अपनी बड़ी सी बॉडी को चलाने के लिए हिप्पोस अच्छी घास के तलाश में कहीं भी चले जाते हैं, इंसानों वाले इलाकों में। अगर आप ये जानना चाहते हैं
कि हिप्पोस जमीन पर क्या कुछ कर सकते हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के सेंट लुसिया जाना होगा, जहां हिप्पोस रात में आमतौर पर चलते फिरते नजर आते हैं। इस टाउन में ड्राइव करने के दौरान इनकी मौजूदगी की निशानियां हर कहीं दिखती है। लोग अपने काम में लगे रहते हैं और हिप्पोस अपने काम में। ये जानवर अक्सर लॉन्स की घास को चरने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज में घुस जाते हैं। सेंट लुसिया में हर कोई हिप्पोस को लेकर सावधान रहता है और लोग उनसे बचने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई अनलकी इंसान इनके सामने आ जाता है तो नतीजे बताते हैं कि हिप्पोस जमीन पर भी कितने हैरतअंगेज ढंग से मूव कर सकते हैं। दोस्तों, हिप्पोस पानी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आमतौर पर पीसफुल होते हैं, लेकिन जब ये जमीन पर होते हैं तब उन्हें कोई सरप्राइज दे तो ये सबसे छोटे रास्ते से पानी की तरफ भागते हुए रास्ते में मौजूद किसी भी चीज को कुचल सकते हैं। और हिप्पोस काफी तेज दौड़ सकते हैं। सिर्फ 30 सेंटीमीटर लंबी टांगों और 3 टन वजन वाले बॉडी के बावजूद हिप्पोस काफी रफ्तार पर भागते हैं। किसी एडल्ट हिप्पो का वजन किसी एसयूवी से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन छोटी दूरियों में ये 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यानी किसी भी ह्यूमन स्प्रिंटर जितनी रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके अलावा इसकी खाल भी इसे काफी प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों, हिप्पो की खाल काफी मोटी होती है। इसकी आर्मर्ड स्किन दुनिया की सबसे टफ स्किन में से एक होती है और इसी वजह से ये एक दूसरे से बैटल कर पाते हैं। इस कारण से इंसान और शेरों के अलावा एडल्ट हिप्पोस के गिने चुने शिकारी ही होते हैं। ज्यादातर शेर जानते हैं कि किसी फुल ग्रोन हिप्पो से ना उलझा जाए, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी कोशिशें कर बैठते हैं। यहाँ शेरों के इस झुंड को शायद एक पोटेंशियल मेल नजर आ रहा है। इनके तेज नाखून हिप्पो के बैटल शेप बॉडी पर अच्छी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। आखिरकार ये हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने दमदार होने के बावजूद इंसान से इनका कोई मुकाबला नहीं। ये आज इंडेंजर्ड है और इनके दांतों, चमड़ी और मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लोग ही इनके इलाके में घुसपैठ करते हैं, तो कोई भी गड़बड़ होने पर गलती सिर्फ हिप्पो की ही नहीं होती। तो 3 टन वाले इन मार्वल्स ऑफ नेचर को रिस्पेक्ट देते हुए इन्हें बचाया जाना चाहिए और इनसे बचा भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये फैक्ट हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो यहीं पर अपने वीडियो को फोल्ड करेंगे और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।